अंत्योदय का प्राण, सबका साथ सबका विकास का संकल्प, प्रेरणादायी नेतृत्व, सटीक राजनीति और कार्यकर्ताओं का अथक परिश्रम। साल 2014, वो साल जिसका इंतजार दशकों से था। गठबंधन की बैसाखी के सहारे चलने वाली सरकारों से लोकतंत्र क्षीण हो रहा था और देश की राजनीति पर घोटालों और भ्रष्टाचार की दोहरी मार पड़ रही थी। ऐसे समय में एक जनप्रिय नेता ने देश के आम लोगों से सीधा संवाद किया, उनके दर्द को समझा और भ्रष्ट सरकारों के दलदल में कमल खिलाने का भरोसा पैदा किया। मेरे भाइयों बहनों, आपने 60 साल तक शासकों को चुना है, देश को अब शासकों की जरूरत नहीं है, देश को सेवक की जरूरत है, सेवक की। फिर क्या था, जनता के अपार जन समर्थन से देश में 30 साल बाद पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी और इस बदलाव के साथ ही देश में एक नए युग की शुरुआत हुई। शुरुआत भारत के पुनर्निर्माण की, शुरुआत देश के गांव, गरीब, किसान, शोषित, पीड़ित, वंचितों के हितों की रक्षा की, अंत्योदय के सपने को साकार करने की। इस दौरान कई राज्यों में चुनाव हुए जहां भाजपा को अपार सफलता मिली। हरियाणा और महाराष्ट्र में पार्टी ने गठबंधन के बिना अकेले चुनाव मैदान में उतरने का साहसिक फैसला लिया और जनता ने पार्टी को अपना आशीर्वाद भी दिया। हरियाणा में जहां 2009 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 90 में से 4 सीटें मिली थी, वहीं 2014 में पार्टी ने 90 में से 47 सीटें जीतकर राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। महाराष्ट्र में भी लंबे समय से चले आ रहे गठबंधन के टूटने पर भाजपा को अकेले चुनाव लड़ना पड़ा, फिर भी भाजपा ने सबसे अधिक सीटें जीती। 2009 में जहां भाजपा को 248 में से मात्र 46 सीटें मिली थी, वहीं 2014 में 122 सीटें जीतकर सरकार बनाई। आजादी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में भी भाजपा को सर्वाधिक मत प्रतिशत मिला। 2008 में जहां भाजपा को 11 सीटें, वहीं 2014 में 87 सीटों में से 27 सीटें जीतकर भाजपा पहली बार गठबंधन के साथ सरकार में शामिल हुई और वहां भाजपा का उप मुख्यमंत्री बना। लंबे समय से अस्थिरता के दौर से गुजर रहे झारखंड में भी पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा सरकार बनी। 2009 में जहां भाजपा को 81 सीटों में से 18 सीटें मिली थी, वहीं 2014 में 37 सीटें मिली। दिल्ली के चुनाव में भी भले ही पार्टी उम्दा प्रदर्शन नहीं कर पाई हो, लेकिन निकाय चुनाव में एक बार फिर से दिल्ली की जनता ने भाजपा पर भरोसा किया और लगातार तीसरी बार पार्टी ने यहाँ जीत दर्ज की। असम में पहली बार भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई। 2011 में जहां भाजपा को 126 में से 5 सीटें मिली थी, वहीं 2016 में 29.5% वोट शेयर के साथ 60 सीटों पर जीत मिली। पश्चिम बंगाल, जहां भाजपा 2011 में एक भी सीट नहीं जीत पाई, 2016 में 10.2% वोट शेयर के साथ 3 सीटों पर जीत दर्ज की। दक्षिण में भी पार्टी की स्वीकार्यता बढ़ने लगी। केरल, वो राज्य जहां भाजपा कभी चुनाव नहीं जीती थी, वहां भी 2016 चुनाव में खाता खुला, साथ ही 15% वोट शेयर भी मिले। भाजपा की जीत का सिलसिला 2017 में भी नहीं रुका। राज्यों में पहले से ज्यादा सुदृढ़ होकर भाजपा उभरी और 5 में से 4 राज्यों के चुनाव में सरकार बनाने में सफलता हासिल की। गोवा में लगातार तीसरी बार भाजपा सत्ता में आई। पार्टी ने राज्य की 40 में से 21 सीटों पर जीत दर्ज की। राज्य के कई दूसरे दलों ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के नेतृत्व में आस्था जताई और राज्य में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनी। उत्तराखंड में भी भाजपा ने 2/3 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की। 2012 में जहां 70 में से 31 सीटों पर जीत मिली थी, वहीं 2017 में 70 में से 57 सीटों पर विजय मिली। और उत्तर प्रदेश, वो राज्य जिसके बारे में कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, उस प्रदेश की जनता ने भी भाजपा को पूर्ण रूप से अपना आशीर्वाद और समर्थन दिया। पार्टी ने राज्य की 3/4 से ज्यादा सीटें जीतकर एक नया इतिहास रच दिया।
भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में भी लोगों के बीच भाजपा के लिए समर्थन बढ़ा है, जिसके चलते पार्टी मणिपुर में सरकार बनाने में सफल रही। 2012 में जहां भाजपा को एक भी सीट नहीं मिली थी, 2017 में अपार जन समर्थन के साथ 60 में से 21 सीटें भाजपा को मिली। मणिपुर के बाद घोषणा हुई वर्ष के सबसे महत्वपूर्ण चुनाव की, वो चुनाव जिस पर न केवल देश अपितु दुनिया की नजर थी, गुजरात का चुनाव। राज्य में पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने पूरे उत्साह और समर्पण के साथ इस चुनाव के लिए परिश्रम किया और परिणाम भी वही आए जिनकी उम्मीद थी। गुजरात ने एक बार फिर से विकास को चुना। ये आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी को लेकर गुजरात की जनता का स्नेह ही था कि पार्टी को चुनाव में 50% वोट मिले। गुजरात के साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव हुए। पार्टी ने यहां भी आशा अनुरूप प्रदर्शन करते हुए 68 में से 44 सीटों पर जीत दर्ज की। वर्ष 2012 में चुनाव में पार्टी को 26 सीटों पर सफलता मिली थी और 42.8% वोट मिले थे। लेकिन ये मोदी जी का करिश्माई नेतृत्व और कार्यकर्ताओं की कर्मठता ही थी जिससे वर्ष 2017 के चुनाव में पार्टी को राज्य में 49.2% वोट मिले। वर्ष 2017 की ही भांति वर्ष 2018 में भी भाजपा की विजय यात्रा जारी रही। इस वर्ष उत्तर पूर्व में असम और मणिपुर से चला भाजपा का विजय रथ त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड तक पहुंचा। त्रिपुरा में तो पार्टी ने अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। भाजपा गठबंधन को 43 सीटें मिली, जबकि 2013 में चुनाव में पार्टी यहां अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। जहां 2013 के चुनाव में पार्टी को मात्र 1.5% वोट मिले थे, वहीं इन चुनाव में 43% वोट मिले। त्रिपुरा के साथ साथ नागालैंड और मेघालय में भी भाजपा और इसके सहयोगी दलों की सरकार बनी, जहां मेघालय में पार्टी को 2013 में केवल 1.27% वोट मिले थे, जो कि वर्ष 2018 में बढ़कर 9.6% हो गए। वहीं नागालैंड में 2013 के चुनाव में 1.75% वोट मिले थे, जिसमें इस वर्ष उल्लेखनीय वृद्धि हुई और पार्टी को 15.3% वोट मिले। केवल विधानसभा चुनाव ही नहीं, साल 2014 से लेकर अब तक हुए स्थानीय निकाय चुनाव, जिला परिषद चुनाव, नगर निगम चुनाव या पंचायत चुनाव, कोई भी चुनाव हो, हर चुनाव में भाजपा ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और देश के कोने कोने में लगातार कमल खिलता जा रहा है। देश में अब निराशा का भाव नहीं है, बल्कि एक नई आशा है और देश की जनता न्यू इंडिया के निर्माण के लिए भाजपा और मोदी सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। आज भारत अपने 125 करोड़ नागरिकों की ऊर्जा और प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व के बूते विश्व में अपनी एक नई और सशक्त पहचान बना रहा है, विकास और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है।